मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर दिल में हौसला हो, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास हो और मन में श्रद्धा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इन चीजों को सिद्ध करके दिखाया है वैशाली जिला के दिग्घी की रहने वाली राजनंदिनी ने। राजनंदिनी जन्म से ही दिव्यांग है। ईश्वर ने उसे एक ही पैर दिया है। उसके पिता सुभाष कुमार पिछले 25 वर्षों से बाबा गरीबनाथ के मंदिर में पहलेजा से जल लेकर डाक बम बन के आते हैं। राजनंदिनी अपने पिता को देखकर हमेशा सवाल किया करती थी कि क्या वह बोलबम नहीं जा सकती। बेटी के इस सवाल से पिता का मन कचोट के रह जाता था। 92 किलोमीटर की पैदल यात्रा, वो भी एक पैर से, नन्ही बच्ची आखिर कैसे कर पाएगी। राजनंदिनी दिल में सालों से ये अरमान लिए बैठी थी कि वो बाबा गरीबनाथ को कब जल चढ़ा पाएगी। इस बार फिर सावन के महीने में राजनंदिनी ने अपने पिता से वही सवाल किया कि क्या वह बाबा गरीबनाथ को जल नहीं चढ़ा सकती। पिता ने बेटी की इच्छा और उसके मनोबल को बनाए रखने के लिए कहा, क्यों नहीं, तुम भी जा सकती हो जैसे और बच्चे जाते हैं। पिता ने इस बार डाक बम न जाकर सामान्य कांवरिया की तरह शुक्रवार को पहलेजा से अपनी बेटी के साथ जलबोझी की और निकल पड़े 92 किलोमीटर की कांवर यात्रा पर। रविवार देर रात करीब 1 बजे राजनंदिनी अपने पिता के साथ पैदल चलकर मंदिर पहुंची और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद जब वह आगे आई, सबकी निगाहें बस राजनंदिनी को देख रही थी। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और आत्मबल का अनूठा नजारा सबके सामने था। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और दृढ़ इच्छा शक्ति की सुंदर तस्वीर देखने को मिल रही थी। जैसे ही बच्ची आगे बढ़ी, जिलाधिकारी, एसएसपी, डीडीसी, सिटीएसपी सब ने खड़े होकर उसका सम्मान किया और बच्ची के मनोबल को सलाम किया। कहते हैं कि अगर सच्ची श्रद्धा, विश्वास और आस्था हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ को भी लांघ सकता है। राजनंदिनी के साहस और आत्मविश्वास को देखकर एक और शेर याद आता है कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। जब हमारे गांव में आदमी सब कहने लगा कि ये बोलबम नहीं जा पाएगी, ये हम हमारे पास आके रो के बोलने लगी, पापा हमको भगवान एक पैर दिए कि हम बोलबम नहीं जा पाएंगे। हमने क्यों नहीं जा पाएगी, तुम हर काम कर सकती है बेटी। बोलेंगे पापा हम भी बोलबम जाएंगे, आप ले चलो, हमको आप ले चलो। रोने लग गया, हम कहते चलो ले चलते हैं। तो हम हर बार डांक आते थे, इस बार हम इसके लिए बोलबम आए हैं। कितने सालों से डांक बम आते हैं? हम तो आते हैं 1996 से। अच्छा, बच्ची जन्म से ही ऐसी है? हाँ, बाय बर्थ है। बाय बर्थ है।
कितना बाल बच्चे हैं आपको? हमें दो, एक बेटा एक बेटी है। ये बड़ी है सब? नहीं, ये छोटी है। आप क्या करते हैं? हमारा मेडिसिन का दुकान है। कहाँ पे? बिद्दुपुर, हाजीपुर में, वैशाली जिला में बिद्दुपुर आता है। क्या नाम हुआ? शिवा मेडिकल हॉल दुकान का नाम है। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कुमार। कहाँ का रहोगे? लाल पोखर दिग्गी। खाना? हाजीपुर सदर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9939475311। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।